विदिशा तहसील के ग्राम बदनपुर में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमीन छीनने के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। आदिवासी परिवार ने सालों से यहां पर काव्य सरकारी जमीन को छीनने की शिकायत की। आदिवासियों ने यह बताया कि यहां पर 3 पीढ़ियों से वो इस स्थान पर रहकर खेती बाड़ी कर परिवार चला रहे हैं, तो वही रहवासियों का ये आरोप है कि सरकारी विभाग के लोग उनकी जमीन छीन कर यहाँ पर चीन का विलोरी और आसपास के अन्य लोगों को वहाँ जमीन दे रहे हैं, जैसे कि हम बेघर होने के साथ खेती बाड़ी से भी मोहताज हो जाएंगे। बता दें, परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आज आ चुकी है। जमीन के बारे में हमारी जमीन होती सरकार ने छीन के दूसरे उनके पट्टे कर दी सर। अब हम क्या करें, हम बाल बच्चे इनके पालन सर सरकार की। आप कब से रह रहे हैं सर? हम 3 पीढ़ी से भाई को लग जाता है, सरकार ने छीन के उन्हें दे दी, दूसरों को दे दिया। लोगों को दिया है? हरिजन जी सर। वो भी वही के हैं? वो इधर बिलोरी के सर। बिलोरी के? हाँ। कितने परिवार रहते हैं आप लोग? हम तो सब बहुत हैं परिवार, और पूरा परिवार हमारा ही है सर। सबकी जमीन दे दी? सबकी। कितने बीघा होगी? 40 बीघा है सर। 40 बीघा। हम जस्ट चलने आए हैं, हमारी जमीन सब कौन ना हरिजन हरिजन जो अभी कैसे ले आप लोग की जमीन? तो जिस तरीके से विदिशा तहसील के ग्राम बदनपुर का ये जो मामला है आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आदिवासी परिवार लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जहाँ पर उन्हें अपनी जमीन चले जाने का डर है और इस डर को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी दिया है। हालांकि काफी पुराना ये मामला सामने आ रहा है। अब इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अजय जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे अजय, ये जो परिवारों का ये जो मामला है, लगातार वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और जमीन छीनने का ये जो डर है ये पूरे परिवार को सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं से लेकर जो पुरुष हैं और साथ साथ उनके साथ छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो ये सभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जी जी, ये बदनपुर गांव का ग्राम गांव का मामला है। वहाँ से पूरी महिलाएं और परिवार के जो आदिवासी रहने वाले व्यक्ति हैं, महिला पुरुष सभी बच्चे मिलकर यहाँ कलेक्टर ने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनका ये कहना है कि पिछले कई पीढ़ियों से यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, और ये जमीन उस 40 बीघा जो उनके पूरे परिवार है, मतलब काफी परिवार के सदस्य वहां रहते हैं, उनको ये उसमें 15 बीघा पास का गांव बिलौरी गांव है, वहां पे हरिजन लोगों को दे दी गई है, पट्टे पे दे दी गई है। अब उनकी शिकायत ये है कि उस 40 बीघा में 15 बीघा जब हमारी हाथ से चली जाएगी तो हम खेती बाड़ी क्या करेंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो ये उनको चिंता सता रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि ये जो परिवार हैं, आदिवासी जो परिवार है, इनकी सालों पुरानी जमीन है और ये पहले से वहाँ खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नजरों में भी वो हैं, उसके बाद भी सरकार उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाई और आखिरकार उन्हें कलेक्ट्रेट पहुंचना ही पड़ा, ऐसा क्यों सरकार उनकी ये जो चीज है उसे देख क्यों नहीं पा रहे हैं? जी जी जी, ये सरकारी जमीन काफी पीढ़ियों से वो करते आ रहे हैं, परंतु ये सरकार के अनुसार उनके जो अधिकारी है अपने उनसे जानकारी ली गई, ये पट्टे उनपे उनके द्वारा एक जमीन पे कब्जा किया गया, 3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया गया तो वो उनसे छीन के 40 बीघा में से 15 बीघा उन्हें निकाल ली गई। ठीक है, नमस्कार अजय। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विदिशा तहसील के ग्राम बदनपुर का ये जो मामला है, जहां पर जमीन छीनने का आरोप लगा, कई प्रकार से यहां पर जो आदिवासी परिवार है वो अपने बच्चों और अपने जो माँ बाप हैं, बच्चे और सभी यहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनका जो ये मामला है उसे जल्द से जल्द देखा जाए और उनके जो समस्या है उसका समाधान किया जाए।